Now we are going to talk about how can you build a community with WordPress. Community ka zikr humne pehle bhi kiya. If you remember, we discussed ke WordPress communities kya hoti hain. WordPress communities are basically WordCamps. WordCamps are events jis pe log aake ek dusre se seekhte hain WordPress ke bare mein, aur na sirf seekhte hain balki wo ek dusre ko sikhate hain. And that's what the WordCamp community is all about. But WordCamps are free, and WordCamps are all and only about WordPress. So main is topic mein aapko ek different tarah ki community ke bare mein sikhana chahta hu. I want to teach you about a new kind of community that actually pays you. You would be surprised. आप सोचेंगे कि क्या एक कम्युनिटी हम बना सकते हैं, अ कम्युनिटी दैट विल एक्चुअली पे अस, इज दैट इवन पॉसिबल? यस, विद वर्डप्रेस यू कैन क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ मेंबर्स हु विल एक्चुअली पे यू, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ वर्डप्रेस. कम्युनिटीज़ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? कम्युनिटीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फॉरम्स की तरह, जिस तरह हमने फॉरम्स का जिक्र किया कि फॉरम्स में लोग आके डिस्कशन करते हैं, इसी तरह यू कैन यूज़ अ प्लगइन टू क्रिएट अ मेंबर्स कम्युनिटी, और इन प्लगइन्स को आप एक साथ भी डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं. बिल्कुल वैसे जिस तरह आप फेसबुक पे यूज़ करते होंगे फेसबुक ग्रुप्स. व्हाट आर फेसबुक ग्रुप्स? फेसबुक ग्रुप्स आर कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु वांट टू एंगेज इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ टॉपिक. इसी तरह हमारे पास वर्डप्रेस अवेलेबल है. वर्डप्रेस allows us to create a community of members who are going to learn from each other on a particular topic. The question jo shayad aapke zehen mein aayega wo ye hai ki what is a membership site? A membership site kya hai, kya hoti hai aakhir ek membership site? A membership site is where users pay to get access to exclusive content. That is what is called a membership site. A membership site will only offer content to the members of that particular community. So us pe open content usually taur pe nahi hota. Iski example is tarah hai ki mere ek janne wale hain, unki ek site hai jis pe wo recipes aur acche khane aur healthy khano ki recipes provide karti hain. So she has created a membership website, and the membership website is not free. People actually pay to be a part of that membership website. So this is again something jo ke aapke liye hai ki aap ise explore kare aur dekhen ki kaise aap membership website create kar sakte hain. Aur main aapko example dunga Salma Jafri ki. Salma Jafri kaun hai? Agar aapko yaad ho to humne aapko Salma ke bare mein pehle bhi bataya tha. So Salma is a content सुपरस्टार. सलमा की भी स्टोरी है कि उन्होंने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए कैसी अपनी ज़िंदगी बदली. तो सलमा इज़ ऑल्सो अ वर्डप्रेस सुपर हीरो. बट सलमा की सबसे ख़ास चीज़ ये है, एंड इनका पूरा नाम है सलमा जाफरी, इनको आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, कि सलमा ने अपने कोर्सेज के लिए एक ऑनलाइन साइट बनाई हुई, एंड पीपल एक्चुअली पे टू गेट एक्सेस टू हर कोर्सेज एंड हर कॉन्टेंट. तो सवाल ये आता है कि मेंबरशिप साइट में आप क्या सेल कर सकते हैं? व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन सेल इन अ मेंबरशिप वेबसाइट? भाई आप कंटेंट दे सकते हैं, आप गुडीज़ दे सकते हैं, आप एक रेसिपीज़ की साइट मेंबरशिप की बना सकते हैं, आप एक माइंडफुलनेस की साइट बना सकते हैं मेंबरशिप की. कोई भी चीज़ जो आप एक कम्युनिटी को ऑफ़र कर सकते हैं, आप उसकी मेंबरशिप साइट बड़े ही आराम से बना सकते हैं. सो बेस्ट मेंबरशिप प्लगइन्स कौन से? काफ़ी ज़्यादा. हम जो इस
टॉपिक में एक प्लगइन एक्सप्लोर करने लगे, उसका नाम है अल्टीमेट मेंबर। और अल्टीमेट मेंबर इज वन ऑफ द टॉप एंड मोस्ट प्रीमियम प्लगइन्स दैट इज अवेलेबल ऑन वर्डप्रेस, जिससे आप बड़े ही आराम से अपनी मेंबरशिप साइट क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन वही आता है कि और कौन कौन से प्लगइन्स हैं। हम आपके साथ अभी थोड़ी देर में सर्च करेंगे। और ये प्लगइन्स बेतहाशा हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। तो आपने देखना है कौन से प्लगइन्स को आपने कैसे यूज़ करना है, उनकी फंक्शनैलिटी से आपने कैसे फ़ायदा उठाना है। और एक चीज़ जहन में याद रखिएगा कि मेंबरशिप प्लगइन्स डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट यूज़ अदर प्लगइन्स। आप ये मेंबरशिप प्लगइन्स को पेयर अप कर सकते हैं वूकॉमर्स के साथ, सो यू कैन ऑफर अ पेड मेंबरशिप साइट। आप इस प्लगइन को पेयर अप कर सकते हैं किसी एक LMS के प्लगइन के साथ। व्हाट इज LMS? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले बताया था कि एन LMS इज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सो आप इस तरह के प्लगइन्स को डिफरेंट तरह से मैशअप कर सकते हैं। क्या आपको ये चाहिए कि नहीं, ये तो भाई आपने ही डिसाइड करना है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल, यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट अ मेंबरशिप साइट फॉर योर सेल्फ और नॉट। सो हम जाते हैं लाइव और हम देखते हैं कि हाउ वी आर एबल टू क्रिएट अ मेंबरशिप साइट विद द अल्टीमेट मेंबर प्लगइन। तो हम देखना चाह रहे हैं मेंबरशिप वेबसाइट। सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा एक मेंबरशिप वेबसाइट जिसका मुझे पता है, मेरी एक जानने वाली वो रन करती हैं, जिसका नाम है जाराज नाउ और नेवर। सो ये एक वर्डप्रेस पावर्ड साइट है जो कि मेंबरशिप प्लगइन्स को यूज़ करते हुए बड़े ही ऑप्टिमाइज तरीके से अपनी साइट रन कर रही है। और इनकी खासियत ये है इनकी साइट की कि शी इज़ एक्चुअली रनिंग दिस एज अ मेंबरशिप वेबसाइट फॉर अ लॉट ऑफ द वुमेन आउट देयर जो कि फिटनेस फ्रीक्स हैं और फिटनेस सीखना चाहती हैं। तो ये इनकी वेबसाइट है। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि दिस होल वेबसाइट इज एक्चुअली पावर्ड बाय वर्डप्रेस। और ये वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए पूरी साइट इन्होंने अपनी जो है वो बनाई है। एंड विल क्लिक ऑन रजिस्टर एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू कैन यूजर्स कैन सिलेक्ट अ सब्सक्रिप्शन और यूजर्स कैन साइन अप एज अ मेंबर। और यहाँ पे एक मेंबर लॉगिन का पेज भी है, सो मेंबर्स कैन जस्ट लॉग इन डायरेक्टली फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे मेंबर्स कैन ऑल्सो लॉग इन। अब अगर हमने अपनी एक मेंबरशिप की वेबसाइट बनानी है तो वी विल सर्च ऑन गूगल फॉर द अल्टीमेट मेंबर प्लगइन। अल्टीमेट मेंबर प्लगइन हम क्लिक करेंगे तो नाउ वी हैव एक्सेस टू द अल्टीमेट मेंबर प्लगइन। और ये हमें बता भी रहा है कि दिस इज द नंबर वन यूजर प्रोफाइल एंड मेंबरशिप प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। और इसको आप डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं। इसकी फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं कि इट वॉज लास्ट अपडेटेड 2 weeks ago। इसकी 100,000 डाउनलोड्स हैं। ये कंपैटिबल है विद ऑल वर्जन्स ऑफ वर्डप्रेस। और इसकी साथ साथ देयर इज़ अ वेरी गुड रेटिंग दैट इज़ अवेलेबल फॉर इट। काफ़ी लोगों ने इसको रेट किया हुआ है। फीचर्स भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। फ्रंट एंड यूज़र लॉगिन है, यूज़र ईमेल्स हैं, पेड एक्सटेंशंस भी कुछ अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड मेंबर प्लगइन विच इज़ अवेलेबल। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आपने डिसाइड करना है और देखना है कि मेंबरशिप प्लगइन आपने क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, what benefit it will give you and how it will add more value to your WordPress website. So hum ye karenge ki hum jayenge meri WordPress website jo ki hai digiskills.pk webhostapp.com aur us pe main jaake is plugin ko install karunga. So I'll go to add new and I'll click on ultimate member एंड यहाँ पे मेरे पास ये प्लगइन अवेलेबल हो गया। आई जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ टू एक्टिवेट दिस प्लगइन। आई क्लिक ऑन एक्टिवेट और जैसे ही मेरे पास ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, आई विल ट्राई टू सर्च फॉर फीचर्स ऑफ दिस प्लगइन व्हिच मेक इट रियली ग्रेट। सो जैसे ही मैंने ये प्लगइन इंस्टॉल किया, आप देख रहे हैं कि मेरे पास ऊपर ऑप्शन आ गई, अल्टीमेट मेंबर नीड्स टू क्रिएट सेवरल पेजेस टू फंक्शन करेक्टली। तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट पेजेस एंड जैसे ही मैं क्रिएट पेजेस पे क्लिक करूँगा, दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पेजेस विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लगइन टू फंक्शन प्रॉपरली। आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली मुझे अल्टीमेट मेंबर ले गया है अपनी सेटिंग्स पेज पे।
फिर यहाँ पे यूज़र रोल्स भी हैं, मेंबर डायरेक्टरी भी है, एक्सटेंशंस भी हैं, डैशबोर्ड भी है. तुम डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं कि डैशबोर्ड पे क्या फीचर्स अवेलेबल हैं. इट्स शोइंग मी यूज़र्स कितने हैं, इट्स शोइंग मी कितने अप्रूव्ड हैं, कितने पेंडिंग रिव्यू हैं, कितनी की ईमेल कन्फर्मेशन है. इट्स शोइंग मी एवरीथिंग रिलेटेड टू द पीपल हु आर ऑन माई वर्डप्रेस वेबसाइट. इनको मैं देख सकता हूँ, इनको डिटेल में स्टडी कर सकता हूँ. साथ ही साथ आई कैन गो टू द मेंबर डायरेक्टरीज टू सी के मेंबर डायरेक्टरीज में कौन कौन लोग हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है. सो यहाँ पे एक मेंबर्स की ऑप्शन है. साथ ही साथ आई कैन क्लिक ऑन एक्सटेंशंस. सो एज़ सून एज़ आई क्लिक ऑन एक्सटेंशंस, मुझे वो सारे प्लगइन्स नज़र आ जाएंगे जो कि इसके साथ कंपैटिबल हैं. अगर आपको याद हो तो रिसेंटली वी डिड अ टॉपिक ऑन बीबी प्रेस. आप इस प्लगइन को इनेबल कर सकते हैं कि बीबी प्रेस और अल्टीमेट मेंबर works together. You can add user verification system to your website. You can add friends. You can add e-commerce. You can add private messages. You can add followers, social activity. There is a lot of stuff that you can add to your websites with the Ultimate Member plugin. Is plugin ko explore karein, dekhein, sochein, aur dekhein ki kaise apni website mein aap ek detailed feature add kar sakte hain members ki using the Ultimate Member plugin.